वेलकम बैक दोस्तों, आपका ब्लैक बॉक्सिंग के अंदर आज फिर स्वागत है। आज हम आपके लिए किचन एसेंशियल्स लेकर आए हैं। ये आपके किचन को एक एस्थेटिक टच देगा। ये एक बटर नाइफ है जिसे आप देखेंगे तो देखते रह जाएंगे। ये आपके स्पेशल ओकेशंस पे काम आ सकता है, ये आपको गिफ्ट देने के काम आ सकता है, ये आपको केक कटिंग के लिए काम आ सकता है। ये काफ़ी अच्छे अच्छे आपके यूज़ में आ सकता है क्योंकि ये इतना स्टाइलिश है कि आप इसका कुछ भी यूज़ करिए ये काफ़ी एलिगेंट लगेगा। तो चलिए दोस्तों, देखते हैं ये नाइफ कैसा है इस वीडियो के अंदर आगे। अगर आप हमारे चैनल पर नए हैं तो हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। तो दोस्तों, हमने इसे अनबॉक्स कर लिया है और ये चाकू कुछ इस तरीके का दिखता है। देख रहे हैं आप इसके अंदर कितनी शाइनिंग है, और ये देखिए इसका हैंडल कितने शार्पली इसे बनाया गया है कि हर एक चीज़ इसके अंदर काफ़ी अच्छे से दिख रही है। ये देखिए इसकी फिनिशिंग, फिनिशिंग देखिए कितनी अच्छी है। इसे अगर आप देखेंगे तो कुछ ऐसा दिखता है, पूरा पीछे से कुछ ये ऐसा दिखता है। इसका हैंडल काफ़ी कंफर्टेबल है। और अगर हम थिकनेस की बात करें तो थिकनेस आपको देखने को मिल रही है कि कितनी थिकनेस है। ज़्यादा मोटा नहीं है ये, बट हाँ सफिशियंट है ये। इसकी शार्पनेस देखें तो ये ज़्यादा शार्प नहीं है क्योंकि एक बटर नाइफ है। देखिए मैं इसके ऊपर हाथ चला रहा हूँ, बट मेरे हाथ के अंदर कुछ भी नहीं हो रहा है। मैंने इतनी बार चलाया इसे। अगर मैं खड़ा करके रबड़ के इसके अंदर डालता हूँ तो ये भी सिर्फ हल्का सा डेंट करता है, ये इसे चीर कर बाहर नहीं निकलता है। ये देखिए इसकी शाइनिंग, हाथ में पकड़ने के बाद ये कुछ ऐसा लगता है। काफी कंफर्टेबल है, आपके हाथ के अंदर आ सकता है, बट अगर आपके ज्यादा बड़े हाथ है तो उसमें नहीं आएगा। ये मेरे हाथ के कंपैरिजन में आप इस चाकू को देख रहे हैं, ये कुछ एक उंगल है मेरे हाथ के हिसाब से। अगर हम इसे मेजर कर रहे हैं इंच टेप से, तो टोटल ये पड़ता है हमारा 8 इंच का, जिसका ना इसका ब्लेड का पार्ट जो है वो है 5 इंच का, और इसके हैंडल का जो है वो है 3 इंच का, जिसके आपको देखने को मिल रहा है इस वीडियो के अंदर। दोस्तों, इसका थोड़ा क्लोजर लुक लेते हैं और देखते हैं कैसा लगता है। देखिए पॉइंटेड है तो आपको कुछ इस तरह का दिखता है। इसका हैंडल जो है कुछ इस तरह का दिखता है, हमने हाईलाइट करके आपको दिखाया है इसे। अगर आप हाथ में लेते हैं तो कुछ इस तरह का दिखता है, और ये हमने अमेजन से बाय करा है, और आप 385 के अंदर आप इसे वहाँ से बाय कर सकते हैं। दोस्तों, अगर आप हमारी राय पूछें तो एक अच्छा प्रोडक्ट है, फिनिशिंग अच्छी है, शाइनिंग अच्छी है, केक कटिंग सेरेमनी के हिसाब से काफ़ी अच्छा प्रोडक्ट है, बट मुझे थोड़ा सा महंगा लगा ये। और अगर आप शार्पनेस के बारे में बात करें तो शार्पनेस इसकी जीरो है, एकदम जीरो शार्पनेस है, बिल्कुल शार्प नहीं मिलेगा ये। आप एज यूजुअल ये बटर नाइफ है तो ये शार्प नहीं होगा इस चीज़ के अंदर। बाकी ओवरऑल प्रोडक्ट काफ़ी अच्छा है, हम इसे 4 स्टार रेटिंग देते हैं। तो दोस्तों, यहीं पे हमारे वीडियो को एंड करते हैं। हमें सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा। हम नॉन स्पॉन्सर्ड हैं और हम अपने ऐसे वीडियो लाते रहेंगे। थैंक यू।